नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में इस महीने में 10 बदलाव हो गए हैं। साथ ही राजस्थान में 5 नए नियम लागू हो गए हैं। 1 तारीख से सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी घोषणा सरकार ने की है कि किसानों को आज से मिलेगा फ्री में फायदा। आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सारी जानकारी आपके लिए काम की जानकारी है। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताइए। दोस्तों, राजस्थान में इस महीने अब तक क्या क्या बदलाव हो गए हैं, साथ ही 1 तारीख से आपको क्या क्या नया फायदा मिलेगा, उसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले है कि चना व सरसों खरीद पंजीयन सीमा 10% बढ़ाई। राज्य में चना सरसों की खरीद के लिए कृषक पंजीयन की सीमा को 10% तक बढ़ाया गया है। प्रबंध निदेशक राजफेड ने बताया कि इस निर्णय से चने सरसों के लिए कुल 68,386 किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पंजीयन सीमा का लाभ किसान 18 अप्रैल से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, स्कूल सिलेबस में स्थानीय भाषा को जोड़ा जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं अब मातृभाषा के साथ स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ सीख सकेंगे। इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जल्द ही ये नीति लागू हो जाएगी और अलग अलग क्षेत्रों की स्थानीय भाषा के अनुसार ही पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, जैसे कौवे को स्थानीय भाषा में कागला कहते हैं, तो ऐसे ही भाषा को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इसके लिए 30 स्थानीय भाषाओं का सर्वे किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया, नई शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा पर जोर देने की नीति लागू की जा रही है। इसके तहत स्थानीय बोली व भाषा के आधार पर शब्दकोश तैयार करवाकर पाठ्यक्रम तैयार करवा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और संभवतः नए सत्र में यह लागू भी कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सरकार का नया आदेश, बच्चों से पहले मां छकेंगी स्कूल में मिलने वाला खाना। कोई भी छात्र स्कूली शिक्षा और पोषण युक्त भोजन से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से सरकार कई तरह की योजनाएं लाती है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की शुरुआत भी इसी उद्देश्य से हुई कि छात्रों को पोषण युक्त भोजन और मुफ्त शिक्षा एक ही छत के नीचे मिले। समय समय पर इस योजना में लापरवाही की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने मिड डे मील की गुणवत्ता बरकरार रखने के उद्देश्य से नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब छात्रों से पहले उनकी मां स्कूल में मिलने वाले भोजन को छकेंगी। चित्तौड़गढ़ के निदेशालय माध्यमिक बोर्ड ने मिड डे मील को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार मिड डे मील में मिलने वाले भोजन को बच्चों के सामने परोसने से पहले स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की माताओं से टेस्ट करवाया जाएगा। हर दिन कम से कम 5 माताओं को स्कूल आकर भोजन को टेस्ट करना होगा। उनके द्वारा अप्रूव होने के बाद ही बच्चों को यह भोजन परोसा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गोल्ड और उसके आभूषण खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। लागू हुआ बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव के अनुसार अप्रैल महीने से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। यह नियम लागू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन शैक्षिक अवकाश 1 मई से प्रारंभ होंगे। राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन शैक्षिक अवकाश 1 मई से प्रारंभ होंगे। प्रथम वर्ष में सेमेस्टर कक्षाएं परीक्षाओं के चलते प्राचार्य आवश्यकतानुसार शिक्षकों को रोक सकेंगे। राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सत्र 2023-24 से प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष को 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर में विभक्त किया गया है। सभी कॉलेज में दिसंबर से जनवरी फरवरी के दौरान प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई गईं। अब मई से जुलाई के दौरान द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, मई से फिर शुरू होंगी आरपीएससी की भर्ती परीक्षाएं। लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। भर्ती परीक्षाओं का दौर अब मई से शुरू होगा। आयोग परीक्षा तिथियां पूर्व में जारी कर चुका है। बीते मार्च में आयोग ने सहायक आचार्य, पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती 2023, कॉलेज
संबंधित शिक्षा विभाग के 15 विषयों की परीक्षा कराई थी। अब सहायक आचार्य के बकाया 27 विषयों की परीक्षा मई जून में कराई जाएगी। इसकी शुरुआत 16 मई से राजनीति विज्ञान परीक्षा से होगी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में मनरेगा में मिलेगी ज्यादा मजदूरी, लोकसभा चुनाव पूर्व केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान में मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई। अप्रैल से अब राजस्थान में मनरेगा मजदूरों को करीब 11 रुपए अधिक मजदूरी मिलेगी। प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को अब बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। मनरेगा श्रमिकों की नई मजदूरी अप्रैल महीने से मिलेगी। केंद्र सरकार ने मजदूरी की दरों में 3% से 10% की बढ़ोतरी की है। राजस्थान में मौजूदा वक्त में मनरेगा श्रमिकों को 255 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। नए सत्र से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 11 रुपए का इजाफा किया गया है। अब 1 अप्रैल से राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों को 266 रुपए मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च 2023 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। वर्ष 2023-24 में मजदूरी की दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी राजस्थान में की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2023-24 में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपए हो गई। वर्ष 2022-23 में 231 रुपए मनरेगा मजदूरी थी। इसके अलावा दोस्तों, 5वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर जारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं ने सभी संस्था प्रधानों व पीईओ को विद्यालय लॉगिन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को वितरित करने के निर्देश दिए हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर 4 मई तक चलेगी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की इन 12 लोकसभा सीटों पर थमा प्रचार, ये पाबंदियां हुई लागू। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए बुधवार शाम प्रचार का शोर थम गया है। पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटें, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं, 19 अप्रैल को यहां मतदान डाले जाएंगे। प्रचार थमने के साथ सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कार्यक्रम मतदान डाले जाने तक रोक रहेगी। वहीं स्थानीय प्रत्याशी इस दौरान डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं सील रहेंगी। साथ ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। एग्जिट पोल पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस यानी 1 जून को शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी कई सारी बड़ी अपडेट। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।